हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है कविता बनारसी किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, पनीर टिक्का तो सभी को पसंद आता है, लेकिन आज हम उसी मैरिनेशन से पनीर टिक्का मसाला की सब्जी बना करके तैयार करेंगे। बहुत ही टेस्टी, और देखेंगे आप तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना चाहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम एक बाउल लिए हैं, इसमें अब हम सादा दही डालेंगे। 4 से 5 चम्मच सादा दही लेंगे। हमने खट्टी दही का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने सादा दही लिया है। फिर इसके बाद हम मिक्सर के मदद से इसको फेंटेंगे। और ये है हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, और ये है हमने 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर डाले हैं। ये है स्वाद के अनुसार नमक। अब हम 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला डालेंगे और ब्लैक पेपर पाउडर, ये भी हमने। फ्रेंड्स, अब हम गरम मसाला डालेंगे 1 टीस्पून के करीब। फिर इसके बाद हम जीरा पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, इसको भी हमने डाल दिया है। और ये है विनेगर 1 टीस्पून के करीब, हमने विनेगर भी ले लिया है। और ये देखिए, हमने सरसों का तेल 1 टीस्पून के करीब, ये भी डाले हैं। सरसों का तेल भी हमने डाल दिया। फिर इसके बाद हम इसको हम मिक्स करेंगे, मिक्सर की मदद से हम इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि हम जितने मसाले डाले हैं वो अच्छे से सारे मिक्स हो जाए और अच्छे से फ्लेवर आ सके। और फिर इसके बाद ये देखिए, हमने थोड़े से कलर भी डाले हैं, फूड कलर में है मेरा, इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो फूड कलर नहीं भी डाल सकते, इसी तरह से बना सकते हैं। हमने फूड कलर डाले हैं क्योंकि मेरे पास था। फिर इसके बाद हम छोटे छोटे स्लाइसेस में पनीर को कट करेंगे। और ये देखिए, हमने इस तरीके से पनीर को बड़े बड़े पीस में काट लिए हैं। हमने सारा काट करके 200 ग्राम हमने पनीर लिया था, काट के ले लिया है। ये है शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन, ये सब भी हमने इस क्यूब कट में हमने काट लिए हैं। फिर इसके बाद हम जो दही हमने फेंट करके रखे थे ना, उसी में हम सारे प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च जो हमने कट करके रखे हैं, वही हम डालेंगे। इसी तरह से करके देखिए, हम डाल करके सारा रखेंगे। और फ्रेंड्स, हम क्यूब कट में हमने जो पनीर कट किए थे ना, वो हम डालेंगे। और जो बाउल का मसाला है ना, हम दूसरे बर्तन में उसको ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि हमको फेंटने में आरामदायक हो, नहीं तो ये टूट जाएगा पनीर, इसीलिए हमने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र किया है। और फिर इसको हम हल्के हाथ से मिलाएंगे। हम हल्के हाथ से इसलिए मिलाएंगे ताकि पनीर टूटे नहीं। इस तरीके से हमको हल्के हाथ से मिला करके अलग हम दो हिस्सों में कर लेंगे इसको, क्योंकि फ्रेंड्स, हम इसी मैरिनेटेड पनीर से हम पनीर टिक्का भी बना करके तैयार करेंगे। और देखिए, हम इसको अलग कर रहे हैं, जितना हमको सब्जी बनाना है उतना हम ले लेंगे। फिर इसके बाद हम गैस पे पैन रख देंगे, पैन अच्छे से गर्म होगा। उसके बाद हम तेल डालेंगे, सरसों का तेल, हमने 2 टीस्पून हमने सरसों का तेल डाल दिए हैं गर्म होने के लिए। जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम हींग डाल देंगे थोड़े से। हींग जब तड़कने लगेगा, ये जीरा हमने डाल दिए हैं 1/2 टीस्पून के करीब। जब जीरा अच्छे से तड़कने लगेगा, इसके बाद हम अदरक डालेंगे और इसको भी हम उसी तरह से भूनेंगे। और ये है बारीक कटी हुई 2 पीस हमने प्याज लिया था, हमने एकदम बारीक चॉप कर लिया था। और ये हरी मिर्च, हरी मिर्च भी हमने 1 पीस डाले हैं। और ये सारे हम भूनेंगे, प्याज को एकदम हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। इस तरीके से हम इसको भूनेंगे। फिर इसके बाद हम 2 पीस हमने टमाटर लिया है, टमाटर का हमने प्यूरी बना लिया है पहले से ही। अब फ्रेंड्स, हमने जो टमाटर का प्यूरी डाला है, उसे हम अच्छे तरीके से मिलाएंगे और इसको हम पकाएंगे। देखिए, हमने अब डाले हैं हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च 1/2 टीस्पून डाले हैं, इसको भी हम मिला लेंगे उसी मसाले में। और इसको हम भूनेंगे, 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। जब ये तेल छोड़ने लगेगा, फिर इसके बाद हमने जो पनीर मैरिनेट करके रखे थे ना, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर के साथ, वही हम डालेंगे पैन में। और इसको भी हम भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक, ताकि अच्छे से खुशबू और बहुत अच्छा टेक्सचर आ सके। फिर इसके बाद हम इसको भूनते ही रहेंगे अच्छे तरीके से।
फ्रेंड्स, ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। जब भी आपके घर में पनीर आएगा तो आप ये सब्जी जरूर ट्राई करिएगा। कोई तामझाम नहीं, कोई एक्स्ट्रा मसाला भी नहीं है, इतना टेस्टी ये सब्जी बन करके तैयार होता है। और देखिए, जब सब्जी से तेल छोड़ने लगेगा तब इसे एक दो बार चला करके और हम पकाएंगे। इसको भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसको भून कर ही बहुत ही टेस्टी ज़्यादा सब्जी बन करके तैयार होता है। देखिए, हम इस तरीके से बराबर से लगातार हम चला रहे जा। तो फ्रेंड्स, पनीर टिक्का मसाला जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना टेस्टी ये। अब हम इसमें अपने हिसाब से पानी डालेंगे। हमने देखिए आधा गिलास के करीब पानी डाले हैं, आप अपने हिसाब से पानी डालिएगा, क्योंकि ग्रेवी अपने हिसाब से ही रखना है। हमको बहुत ज़्यादा पतला ग्रेवी नहीं रखना है, हमको सूखा ही करके सब्जी बनाना है। इस तरीके से देखिए, हमने पलटे से चला भी रहा है और उबाल भी आ रहा है। इसको हम पका लेंगे, 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे, ताकि जब सब्जी अच्छे से पक जाएगा तो और ज़्यादा ही टेस्टी आएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके बाद हम नमक डालेंगे। नमक स्वाद के अनुसार मेरा रहना चाहिए। ये देखिए, हमने सब्जी बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पका करके गैस का फ्लेम भी ऑफ कर दिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, पनीर टिक्का मसाला वाली ग्रेवी हमने बहुत ही टेस्टी तरीके से तैयार किया है। आप इसको बनाएंगे तो सारे लोग घर में आपका तारीफ करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमको समझ में नहीं आता है, तो हम अपने घर पे पनीर मंगा करके ये सब्जी जरूर ट्राई कर सकते हैं, इतना टेस्टी ये सब्जी बन करके तैयार होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पनीर टिक्का मसाला की सब्जी मेरी बहुत ही अच्छी तरीके से हमने तैयार कर लिया है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।